Hey everyone, this is Prem Pandey. Welcome back to our favorite YouTube channel, Educational Hikes. यार आज हम continue करने वाले हैं class 10th की English supplementary book से chapter number 1, A Trimfob Surgery. A Trimfob Surgery का पहला part मैंने already upload कर दिया है यार. हमने first part में पढ़ा था कि इस chapter के कौन से तीन main characters हैं. एक तो Mrs. Pomfrey हैं, एक है Tricky जो कि dog है, और एक है James Harriet जो इस chapter को लिख रहे हैं. हमने story के starting में पढ़ा था कि Mrs. Pomfrey और dog उनका ट्रिकी वॉकिंग के लिए निकले हैं, तो उन्हें जेम्स हैरियट रास्ते में मिल जाता है. जैसे ही जेम्स हैरियट जो कि एक कुत्ते का डॉक्टर है, वो कुत्ते को देखता है तो कहता है कि आपका कुत्ता बहुत ज्यादा मोटा हो गया है और अगर आपने इसके खाने पे कंट्रोल नहीं किया तो ये जल्द ही बीमार पड़ जाएगा. ठीक है, और कुछ दिन ऐसे ही चलता है. तो जब कुत्ता बीमार पड़ जाता है, जेम्स हैरियट उसके घर जाते हैं, मिसेस पॉम्फ्रे के घर जाते हैं और डॉग को जबरदस्ती अपने हॉस्पिटल में ले आते हैं उसका ट्रीटमेंट करने के लिए. तो देखो उसके आगे क्या होता है. ठीक है, एट द सर्जरी जैसे ही ऑथर अपने हॉस्पिटल पहुंचता है, द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी. ऑथर कहते हैं कि जो हॉस्पिटल के बाकी कुत्ते थे वो मेरे अगल बगल इकट्ठा हो जाते हैं. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइस. ट्रिकी उन शोरगुल भरे कुत्तों को देखता है जो नीचे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे होते हैं. वो ऑथर के अगल बगल इकट्ठा हो गए हैं और बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं. तो ट्रिकी जो कि ऑथर के गोद में होता है, वो अपनी नजरें नीचे करके उन डॉग्स को देखता है अपनी डल आइस से. यहाँ पर ट्रिकी की आंखों को डल इसलिए कहा गया है क्योंकि मैंने पहले ही बताया था ट्रिकी की आंखें एकदम ब्लड शॉट, एकदम लाल हो गई थी और उसकी आंखों से पानी आ रहा था. ठीक है, व्हेन पुट डाउन, और जब ऑथर ने ट्रिकी को नीचे रखा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. ट्रिकी बिना मोशन किए, बिना हिले डुले कारपेट पर एकदम सुस्त कुत्ते की तरह पड़ गया. द अदर डॉग्स आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. जो हॉस्पिटल के बाकी कुत्ते थे वो ट्रिकी को सूंघते हैं कुछ सेकेंड तक. ठीक है, और सूंघने के बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि ट्रिकी एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इस कुत्ते में रुचि लेने लायक नहीं है, और उसे वहां से इग्नोर करके बाकी कुत्ते वहां से चले जाते हैं. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर्स डॉग्स स्लेप्ट. जो ऑथर होता है वो ट्रिकी के लिए बेड लगाता है, और बेड कहाँ पर लगाता है, गरम से बड़े से बक्से में. और ये बक्सा कहाँ रहता है, जहाँ बाकी कुत्ते सोते हैं उसी के बगल में ट्रिकी का भी बेड लगा दिया जाता है. फॉर टू डेज आई कैप्ट एन आई ऑन हिम. ऑथर कहता है कि दो दिनों तक मैंने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दिया, बस मैंने उस ट्रिकी पर नजर रखी. गिविंग हिम नो फूड, उसे बिल्कुल भी खाना नहीं देता था, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन खूब पानी पीने को दिया जाता था. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, जैसे ही दो दिन खत्म होता है, जैसे ही दूसरा दिन खत्म होता है, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. ट्रिकी अपने अगल बगल, जो हॉस्पिटल का जो अगल बगल का नज़ारा था उसमें अब रुचि लेने लगा था ये ट्रिकी. अब अगल बगल वो जाके देख रहा था कि ये लोग कौन है, मैं कहाँ हूँ. ठीक है, ये सारी चीज़ें नोटिस करने लगा था. एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, और तीसरे दिन वो ट्रिकी जो होता है वो विम्पर करने लगता है. विम्पर का मतलब जैसे कुत्ते एक अनहैप्पी क्राई करते हैं ना, रोते हैं. ताकि यहाँ पर ट्रिकी क्यों रो रहा है, क्योंकि उसे बाहर जाना है, उसे बाकी कुत्तों के साथ खेलना है. तो जब वो बाकी कुत्तों की आवाज़ सुनता है कि जो बाकी कुत्ते हैं वो यार्ड में, जो हॉस्पिटल का आंगन है वहाँ पर वो लोग खेल रहे हैं, तो जैसे ही बाकी कुत्तों की आवाज़ सुनता है तो ट्रिकी भी जिद करने लगता है कि मुझे भी बाहर जाना है. तो इसलिए वो क्या करने लगता है, वो विम्पर करने लगता है. ठीक है, आगे देखते हैं. When I opened the door, और जैसे ही ऑथर ने दरवाजा खोला हॉस्पिटल का, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाई जो. ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, अपने छोटे छोटे कदमों से वो बाहर आता है, और तुरंत जैसे ही ट्रिकी बाहर आता है, जो कौन है, एक ग्रे हाउंड है, ये डॉग की एक स्पीसीज होती है, तो ग्रे कलर का एक शिकारी कुत्ता है जो. ठीक है, जैसे ही ट्रिकी बाहर आता है तो तुरंत वो ट्रिकी को घेर लेता है. जो और उसके जो दोस्त थे वो ट्रिकी को घेर लेते हैं. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, जो बाकी कुत्ते थे वो ट्रिकी को रोलिंग हिम ओवर. रोलिंग हिम ओवर का मतलब होता है, रोलिंग हिम का मतलब होता है जैसे कुत्ते एक दूसरे को प्यार दिखाते हैं ना, अपना गला दूसरे कुत्ते की पीठ पर रख के, अपना गला दूसरे कुत्ते के गले की तरफ सटा के. तो ये बस
प्यार दिखाने का उनका तरीका होता है। तो जो बाकी कुत्ते थे ना, वो जैसे ही ट्रिकी के ऊपर रोल ओवर कर लिया ना, उन्होंने थॉरली इंस्पेक्टिव हिम, और उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को जांचा कि ये कुत्ता अपना दोस्त बनने लायक है कि नहीं है। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और इंस्पेक्ट करने के बाद ट्रिकी को जो बाकी कुत्ते थे वो गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ गार्डन में जाता है, और ट्रिकी चूंकि बहुत ज़्यादा मोटा था, उसके शरीर में बहुत अत्यधिक फैट था, इसलिए वो चलते चलते रोल भी कर जाता था। चलते चलते वो क्या होता था, ऐसे गोल 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 गिर के घूमने लगता था, ठीक है, फिर उठता था, फिर चलता था। तो आखिरकार वो क्या हुआ, रोलिंग या चलते हुए वो जाके बाकी कुत्तों के पीछे पीछे गार्डन तक जाता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। ऑथर कहता है कि उस दिन रात को जब डिनर का टाइम होता है तो मैं वहीं पर मौजूद था। आई वॉज्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉब्ड द फूड इनटू द बाउल्स। मैं ये देख रहा था कि ट्रिस्टन नाम का एक जो कुत्ता है वो खाने को क्या कर रहा था, स्लॉप कर रहा था। स्लॉप का मतलब बहुत तेज से खा रहा था। उसके बहुत ज्यादा तेज खाने की वजह से जो खाना था वो अगल बगल गिर भी रहा था उसके बाउल से, ठीक है। देयर वॉज द यूजुअल हेड लॉन्ग रश फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। अब जब बाकी कुत्ते जब खाने के लिए आते थे ना, तो वो बहुत तेज सा दौड़ लगाते थे और अपने अपने बाउल की तरफ फटाफट खाने लगते थे। हेड लॉन्ग रश का मतलब क्या होता है, बिना अगल बगल देखे बस एक तरफ दौड़ना। तो बाकी कुत्ते जैसे ही छूटते थे खाने के लिए, तो उनको कुछ मतलब नहीं रहता था कि कोई पीछे छूट गया कि कोई नहीं, वो बस भाग के जाते थे अपने बाउल की तरफ, अपने कटोरे की तरफ, ताकि वो अपना खाना जल्दी से खत्म कर ले, ठीक है। हेड लॉन्ग रश का मतलब समझ गए कि नहीं आप, हेड लॉन्ग रश कब होता है, जैसे आपने अभी अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है, ठीक है, तो अभी आपको क्या चाहिए, आप हेड लॉन्ग रश करोगे कि मैं नई गर्लफ्रेंड बनाऊं। तो ये बिना सोचे जो आप ये कदम उठाते हो कि मैं नई गर्लफ्रेंड बनाऊं, इसी को कहते हैं हेड लॉन्ग रस। तो वो कुत्ते भी बिना अगल बगल देखे खाने की तरफ दौड़ते हैं, फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और जब वो खाते हैं तो बहुत तेज तेज से उनके खाने की आवाज आती है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। हर कुत्ता जानता है कि अगर वो बाकी कुत्तों से पीछे रह गया ना, तो वो जिम्मेदार होगा, लाइबल होगा। किस बात का जिम्मेदार होगा, कि उसे अपने आखिरी बचे हुए खाने के लिए कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कुत्ते जैसे ही अपना खाना खत्म करेंगे वो दूसरे के खाने की तरफ दौड़ेंगे, तो इसलिए सब अपना खाना जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में रहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, looking casually inside one or two of them. और जब बाकी कुत्तों ने खा लिया, अपना खाना फिनिश कर लिया, Tricky took a walk round the shining bowls, जो उन्होंने चाट चाट कर पूरी जो कटोरी थी उसको चमका दिया था ना, तो उस चमकते हुए कटोरी के तरफ कुत्ता, ये जो Tricky है वो जाता है, वो एक दो bowls में अपना मुंह डालकर looking casually ऐसे ही उस bowl को चाटता है। Next day, और जब ऑथर इस बात को देखता है, तो अगले ही दिन एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम। एक नया बाउल ट्रिकी को खाने के लिए वहां पर रख दिया जाता है। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और ऑथर कहता है कि मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि अब ट्रिकी भी दौड़ लगा रहा है बाकी कुत्तों की तरह, ताकि वो अपना खाने तक पहुंच सके और जल्दी से अपना खाना खत्म कर सके। फ्रॉम देन ऑन, और उसी दिन से लेके हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उसी दिन से आने वाले जितने भी दिन थे, ट्रिकी का जो प्रोग्रेस रेट था वो बढ़ गया, मतलब ट्रिकी अब जल्दी जल्दी ठीक होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। ट्रिकी को बिल्कुल भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था, कोई भी दवाई ट्रिकी को नहीं दी जाती थी, किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं दी जाती थी, बस पूरे दिन वो बाकी कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था, ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। बाकी कुत्ते जो स्क्रिमेजेस करते हैं, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस का मतलब क्या होता है, हम अपने दोस्तों से करते ना ऐसे, अब ताली देते हैं, उसको मारते हैं अपने दोस्तों को, तो सेम वैसे कुत्तों में भी होता है। उनका अपना प्यार दिखाने का अलग तरीका होता है, अपना दोस्ताना दिखाने का उनका अलग तरीका होता है। तो
तो ट्रिकी भी अब बाकी कुत्तों के फ्रेंडली स्क्रीमेजेस में ज्वाइन होने लगा था। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर। अब उसे पता चल रहा है कि असली खुशी जिंदगी की क्या है, जब बाकी कुत्ते उसको बॉल्ड ओवर करते थे। बॉल्ड ओवर का मतलब उसके ऊपर चढ़ते थे, वो ट्रैम्प्ड ऑन, उसके ऊपर से चल कर चले जाते थे, उसके ऊपर अपना सर रखते थे, खेलते थे एंड स्क्वैश्ड, और ट्रिकी को धक्का मारते थे, ट्रिकी को ऐसे कह सकते हो काटते थे। दोस्ती में होता है ना, तो बाकी कुत्ते ऐसे करते हैं, तो इन सारी चीजों की खुशियां अब ट्रिकी को पता चलने लगा था, क्योंकि हर मिनट वो अपने दोस्तों से घिरा रहता था और दोस्ताना भरा वो खेल कूद करता रहता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। जो बाकी कुत्ते थे अब ट्रिकी को वो एक्सेप्ट कर चुके थे अपने दोस्त के तौर पर। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सैगी क्रू। जो ट्रिकी था ना, वो बाकी कुत्तों से काफी अलग था। क्यों? क्योंकि ट्रिकी काफी मुलायम था, काफी सिल्की था, बहुत प्यार से उसकी मालकिन ने उसे पाला था, और छोटा सा ये जो कुत्ता था ना, वो उस जोशीले, उस शोरगुल भरे जो तेज तर्रा कुत्तों का झुंड था ना, उनसे बिल्कुल अलग था। लेकिन फिर भी अब वो ट्रिकी उनका दोस्त बन चुका था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज सेयर एट मील टाइम। जब खाने का समय होता था तो ट्रिकी बाकी कुत्तों के जैसे ही लड़ता था अपने खाने के लिए। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। और बाकी कुत्तों के साथ चूहे मारता था। कहां पर? ओल्ड हैन हाउस, जो पुराने मुर्गी का घर था ना, जो मुर्गी खाना था, वहां पर जाते थे बाकी कुत्ते और ट्रिकी भी उनके साथ जाता था। तो वो वहां पर क्या करते थे, वो लोग चूहे का शिकार करते थे रात में। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। ट्रिकी ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना खुशनुमा पल कभी नहीं बिताया था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फरे होवर्ड एनेक्सियसली इन द बैकग्राउंड। लेकिन इन सब के बावजूद मिसेस पम्फरे होवर्ड एनेक्सियसली, मिसेस पम्फरे जेम्स हैरियट जो कि ऑथर हैं, जो कि डॉक्टर हैं, उनको घेरे रहती थी, हमेशा कॉल करती रहती थी, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे। लगभग दिन में 12 बार मिसेस पम्फरे डॉक्टर को कॉल करती थी, ताकि वो ट्रिकी के बारे में कोई नई चीज मालूम कर सकें कि ट्रिकी रिकवर कर रहा है कि नहीं, अब ट्रिकी की तबीयत कैसी है। तो ये पूछने के लिए वो दिन में 12 बार कॉल करती थी। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस उनके ऊपर, जेम्स हैरियट के ऊपर कई सारे क्वेश्चन दागे जाते थे अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। मालकिन जो थी मिसेस पम्फरे, वो क्या पूछती थी, वो पूछती थी कि जो ट्रिकी का तकिया है वो आमतौर पर जो रेगुलरली बेसिस पर बदला जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा है, जो ट्रिकी का करेक्ट कोट है, मतलब अलग अलग मौसम के अनुसार ट्रिकी का कोट था, ठंडियों के लिए अलग, गर्मियों के लिए अलग, तो वही वेदर के अकॉर्डिंग उसका कोट बदला जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा है। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली। बहुत कुछ पूछती थी मिसेस पम्फरे, लेकिन जो जेम्स हैरियट थे वो बस इतना ही बताते थे कि जो ये छोटा सा इनका डॉग है, जो ट्रिकी है, वो अब खतरे से बाहर है और रिकवर कर रहा है बहुत तेजी से। कन्वेल्सिंग का मतलब होता है टू रिकवर, बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फरे। जैसे ही मिसेस पम्फरे सुनती है कि उनका जो कुत्ता है वो ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है, तो ये शब्द सुनते ही मिसेस पम्फरे को जैसा लगता है कि उनके अंदर एक जान में जान सी आ गई थी। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। वो ट्रिकी के लिए फ्रेश, एकदम ताजा ताजा अंडे लाना स्टार्ट कर देती हैं। 2 dozen एट अ टाइम, एक बार में लगभग 12 अंडे वो ट्रिकी को खाने के लिए लाती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ। और क्यों लाती थी? ताकि ट्रिकी के अंदर ताकत आ सके, ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है वो और मजबूत की जा सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। ऑथर कहते हैं कि वो समय जब ट्रिकी हमारे पास था ट्रीटमेंट के लिए, वो समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्यों क्यों अच्छा था? क्योंकि ऑथर और उसके जो पार्टनर्स थे उनको भी 2-2 अंडे ब्रेकफास्ट में मिल जाया करते थे। बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन
कुछ दिन तो अंडे आए, कुछ दिन तो मिसेस पम्फ्रे ने नाश्ते के लिए ट्रिकी को अंडे लाया, लेकिन उसके बाद बॉटल्स ऑफ वाइन के बॉटल भी लाने लगी मिसेस पम्फ्रे. द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड. और जब इतनी सारी चीज़ें आने लगी, वाइन आने लगी ट्रिकी को और अंडे तो आ ही रहे थे, तो ये सारी चीज़ें जैसे ही आने लगी तो जो भी उस हॉस्पिटल के लोग थे वो पॉसिबिलिटीज का फायदा उठाने लगे. जो स्थिति थी मिसेस पम्फ्रे की, उस सिचुएशन का फायदा उठाने लगे. वो लाती थी अंडे और वाइन तो ट्रिकी के लिए, लेकिन जो डॉक्टर था और उनका जो पार्टनर था वो सब मिल के खाते थे. ठीक है, इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड. अब मिसेस पम्फ्रे वाइन क्यों लाती थी ट्रिकी के लिए? ताकि ट्रिकी का जो ब्लड का क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सके, उसके खून को और शुद्ध कर सके. ठीक है, लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ टू ग्लासेज ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील. अब जितने दिन ट्रिकी उस हॉस्पिटल में रहा उतने दिन तक जेम्स हैरियट जो डॉक्टर थे और उनके पार्टनर्स के लिए वो जब लंच करते थे तो ऐसा लगता था कोई महोत्सव हो रहा है. भाई दारू अंडे सब कुछ होता था. विथ टू ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर, खाने के पहले दो ग्लासेस वाइन पीते थे वो लोग और खाते समय भी कई ग्लास वाइन वे लोग पी जाते थे. ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है. वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रैंडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन. चलो, कुछ दिन तक तो अंडे आए ब्रेकफास्ट में, फिर वाइन आने लगी ट्रिकी के लिए. अब वाइन के बाद वी कुड हार्डली बिलीव इट, ऑथर को विश्वास नहीं हुआ कि उनकी मालकिन ब्रांडी लाने लगी थी. अब ब्रांडी क्या होता है? ये ब्रांडी थोड़ा वाइन से और ज्यादा अल्कोहलिक होता है. ठीक है, तो ब्रांडी आने लगी थी अब ट्रिकी के लिए. केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये ट्रिकी का पूरा चैप्टर खुला था, जो ये संविधान खुला था ना ट्रिकी का, मतलब ये लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे ट्रिकी का. तो जो मिसेस पम्फ्रे थी तो वो तो जानती थी कि मेरे कुत्ते का इलाज हो रहा है, लेकिन इस पूरे पीरियड में भाई इसके ऑथर ने, ऑथर के पार्टनर्स ने, जो हॉस्पिटल में और लोग थे जो काम कर रहे थे, उन लोगों ने मौके का खूब फायदा उठाया. फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रॉल्ड अराउंड. कुछ रातों तक जो फाइन स्पिरिट, जो वो दारू लाती थी मिसेस पम्फ्रे, वो इधर उधर कमरे में कहीं पर भी पड़ी रहती थी इन हैंड. ऑथर क्या करता था, पहले उसे सूंघता था और फिर एकदम रिवरेंटली, एकदम श्रद्धापूर्वक, एकदम इज्जत से उस दारू को पी जाता था. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा फनी सीन लाने की कोशिश किया है ऑथर ने. ठीक है, देवर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाई द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी. ऑथर कहता है कि वो दिन बड़े संतुष्टि भरे दिन हुआ करते थे, बड़े ही एकदम अंदर से तृप्त करने कर देने वाले दिन हुआ करते थे वो. क्यों? स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग. वो लोग ब्रेकफास्ट में दो अंडे खाया करते थे, मॉर्निंग में एकदम सुबह सुबह उन्हें अंडे मिल जाया करती थी. इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड, और उसके बाद अंडे के बाद जो उनका लंच का टाइम आता था, जब मिड डे होता था, जब दोपहर होता था, तो वे लोग वाइन पीते थे और उनके दिन का जो अंत होता था वो एकदम आराम से, लग्जरियसली, एकदम आराम से आग के किनारे बैठकर ब्रांडी पीते हुए होता था, क्योंकि ब्रांडी भी तो आती थी ना ट्रिकी के लिए. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एस अ परमानेंट गेस्ट. ऑथर तो सोच रहा था कि ट्रिकी को हमेशा के लिए हॉस्पिटल में रख ले, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग. लेकिन ऑथर कहीं ना कहीं जानता था कि मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के लिए परेशान है. वो ट्रिकी को अपने बेटे की तरह मानती हैं और ट्रिकी उनके पास नहीं है. इस बात से मिसेस पम्फ्रे काफी परेशान है, ये कहीं ना कहीं ऑथर जानता था. और इसी के लिए लगभग 15 दिनों तक हॉस्पिटल में रखने के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन. उन्होंने
ये महसूस किया कि उन्हें मिसेस पंपरे को कॉल करना चाहिए, और इसलिए वो मिसेस पंपरे को फोन करते हैं और कहते हैं कि इनका जो डॉग है, जो छोटा सा उनका कुत्ता है ट्रिकी, वो ठीक हो चुका है और इंतजार कर रहा है कि उसकी मालकिन आए और उसे कलेक्ट करें, उसे यहां से ले जाएं। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रिव अप आउटसाइड द सर्जरी, और उनके ये बात होने के कुछ मिनट बाद ही लगभग 30 फीट लंबी गाड़ी, चमकती हुई काली कलर की एक गाड़ी, मेटल यहाँ पर कार को कहा गया है, तो एक चमचमाती हुई काली कलर की, ब्लैक कलर की कार लगभग 30 फीट लंबी ड्रिव अप आकर खड़ी हो गई हॉस्पिटल के सामने, आउटसाइड द सर्जरी। द चॉफर ओपेंड द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। द चॉफर ओपेंड द डोर, और जैसे ही गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकती है तो जो ड्राइवर होता है, चॉफर का मतलब ड्राइवर, जो ड्राइवर होता है मिसेस पंपरे का, वो दरवाजा खोलता है, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपरे, और सामने गाड़ी के अंदर कौन बैठा रहता है, मिसेस पंपरे बैठी रहती हैं, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो खुद में ही खोई हुई है, वो थोड़ा सा नर्वस लग रही थी, वो थोड़ा सा एक्साइटेड लग रही थी कि उनका जो कुत्ता है ट्रिकी वो सचमुच ठीक हो गया है कि नहीं हुआ है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्ब्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनका जो हाथ है वो दोनों हाथों से उन्होंने ऐसे सामने, हम लोग रखते हैं ना दोनों हाथों को ऐसे मोड़ के, अपने दोनों हाथों से अपने बाजुओं को पकड़ के रखते हैं ना, तो सेम ऐसे ही मिसेस पंपरे भी अपने दोनों हाथों को ऐसे पकड़कर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होठ अब भी कांप रहे थे बोलते हुए, और वो कांपते हुए बोलती हैं कि ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर। वो कांपते हुए होठों से कहती हैं कि ओ मिस्टर हैरियट, मुझे सचमुच बताइए कि क्या मेरा ट्रिकी अब सही है कि नहीं, एकदम फिट है कि नहीं। ऑथर कहता है कि यस, हाँ, ही इज फाइन, वो बिल्कुल ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको जरूरत नहीं है कि आप कार से नीचे उतरो, आई विल गो एंड फेच हिम, मैं अंदर जाता हूँ और मैं ट्रिकी को ले आता हूँ, आप यहीं आराम से कार में बैठो। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, इतना कहते ही ऑथर जो होता है वो घर के पीछे जो गार्डन होता है वहां तक जाता है। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड, वहां पर देखता है कि कुत्तों का एक पूरा समूह था, वो राउंड एंड राउंड हर्टल कर रहे थे, हर्टल का मतलब होता है बहुत तेजी से मूव करना, ठीक है, तो वो भाग रहे थे राउंड एंड राउंड, किसके राउंड राउंड भाग रहे थे, वो लॉन के, जो गार्डन में लॉन होता है ना, लॉन का मतलब जानते हो कि नहीं, एक साइज के पौधे लगे होते हैं ना, उसी को कहते हैं लॉन। तो जो लॉन था उस गार्डन में, उसके अगल बगल बाकी कुत्ते एक झुंड बनाकर दौड़ रहे थे, और इन देयर मिस्ट, और उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, अपने कानों को फड़फड़ाते हुए, अपने पूंछों को हिलाते हुए, एक छोटा सा सुनहरे कलर की चीज थी, और वो कौन था, वो था ट्रिकी। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इन टू अ लीथ, 2 हफ्ते जब से वो हॉस्पिटल में है तो वो एक मोटे कुत्ते से एक फ्लैक्सिबल, एक चुस्त तंदुरुस्त कुत्ता बन चुका था, और उसकी मसल भी काफ़ी हार्ड हो चुकी थी। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो बाकी कुत्तों के साथ अच्छे से घुल मिल भी चुका था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, अब वो अपने शरीर को उंघते हुए, ऐसे अपने शरीर को खींचते हुए, ग्रेट बाउंड्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऐसे कह सकते हो कि जो अब तक ट्रिकी केवल मिसेस पंपरे के घर में था, अब ट्रिकी हॉस्पिटल में है, बाकी कुत्तों से मिलजुल रहा है, तो उसकी बाहें, उसकी जो दरमियान है, जो उसकी बाउंड्रीज हैं, वो और भी चौड़ी हो रही हैं, मतलब कि वो और भी दुनिया देख रहा है, ठीक है। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और जब ट्रिकी चलता था तो जो उसका चेस्ट था ना, ऐसा लगता था कि ग्राउंड को वो झाड़ू लगाते हुए चल रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रिकी के जो बाल थे, जो फर थे, वो अब नीचे लटकने लगे थे, क्योंकि भाई वो मोटा तगड़ा एकदम हार्ड मसल्ड हो गया था वो। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द
पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और जो ऑथर होता है वो ट्रिकी को लेकर गलियारे से होते हुए सामने, घर के सामने लेकर आता है ट्रिकी को. द चॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डाउन डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस. अब देखते जैसे ही ट्रिकी को लेकर ऑथर घर के सामने आता है तो देखता है कि कार का जो ड्राइवर था, जो चॉफर था, वो अब भी कार की गेट पकड़े हुए खड़ा है. और ट्रिकी जैसे ही अपने मिस्ट्रेस को देखता है, he took off from my arms, वो तुरंत ऑथर की गोद से ट्रेमेंडस छलांग लेता है, एक बहुत तेज से लीप लेता है और तुरंत भाग के, मतलब सेल का मतलब बहुत ही तेजी से दौड़कर मिसेस पंपरे के गोद में जाकर बैठ जाता है. सी गेव अ स्टार्टल्ड ओह एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एस ही स्वांड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. और तुरंत वो जाके मिसेस पंपरे के गोद में बैठ जाता है. मिसेस पंपरे डॉग को देखकर एकदम खुशी से ओह आवाज निकलती है उनके मुंह से, और उसके बाद मिसेस पंपरे को रोकना पड़ता है डॉग को. क्यों? क्योंकि ट्रिकी क्या कर रहा था, अब वो मिसेस पंपरे के ऊपर स्वांड ओवर हर का मतलब अपना प्यार दिखा रहा था, लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को चाट रहा था, थोड़ा थोड़ा भौंक रहा था, अपना प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो इतने दिनों से अपने मालकिन को बहुत ज़्यादा मिस किया है. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयस क्यूशंस कोट्स एंड बाउल्स नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. और जब इनके मालकिन का और कुत्ते का मिलन हो रहा था तो इस एक्साइटमेंट में जो ऑथर था और जो उनका ड्राइवर था, उन दोनों ने क्या किया, उन्होंने मिलके जो ट्रिकी का बेड था, जो ट्रिकी के खिलौने थे, जो ट्रिकी का तकिया लगा था, जो उसके कोट थे, जो उसका खाने का बाउल था, ये सब हॉस्पिटल से बाहर लेकर आते हैं. नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, इनमें से कोई भी चीज हॉस्पिटल में ट्रिकी ने यूज नहीं किया था. एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही ये सारा सामान कार में रखा जाता है और कार चलती है, मिसेस पंपरे लीम्ड आउट ऑफ द विंडो. मिसेस पंपरे खिड़की के बाहर झांकती हैं, टीयर्स शोन इन हर आइस, उनके आंखों में आंसू चमक रहे थे, मतलब आंसू देखे जा सकते थे उनकी आंखों में. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होठ अब भी कांप रहे थे. वो अपने कांपते हुए होठों से कहती हैं कि ओ मिस्टर हैरियट, और हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूंगी, दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, आपने सचमुच मेरे डॉग का एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कर दिया है. तो एक ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी कर दिया है आपने, ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, आपने मेरे कुत्ते को सही कर दिया है. तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय जेम्स हैरिट. आई थिंक कि यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल. सो इफ देर इज एनी डाउट प्लीज कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट हार्ड वर्ड्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.